बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, हॉल इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि हॉल इफेक्ट होता क्या है। हमने कहा, मैंने मेटल और सेमीकंडक्टर, कोई भी मेटल या सेमीकंडक्टर, कैरिंग करंट आई इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब आपने कोई भी एक ऐसा मेटल ले लिया जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है और जिसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रख दिया, ठीक है, एक्टिंग एट राइट एंगल टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है, जैसे कि जब आपने एक मेटल लिया जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और उसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर एक्ट कर रहे हैं, तो इस मटेरियल में इन दोनों फील्ड्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और जिस ईएमएफ की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दो टर्मिनल्स के बीच में। मान लो ये टर्मिनल T1 है, ये टर्मिनल T2 है, तो दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं हॉल वोल्टेज। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये आपकी मेटल स्ट्रिप है, हमने कहा करंट की जो है वो आई डायरेक्शन के एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा है और हमने मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई कर दिया इन द जेड डायरेक्शन, तो आप देखोगे कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग अपर टर्मिनल और लोअर टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा। मींस कोई टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होगा और कोई टर्मिनल लो पोटेंशियल पर होगा। तो इस तरह से जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं हॉल वोल्टेज, और इस तरह से पोटेंशियल के क्रिएट होने के फिनोमिना को हम स्टडी करते हैं इनसाइड द हॉल इफेक्ट फिनोमिना। तो हमने क्या कहा, ऑन अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन। जैसे ही आप एक करंट कैरिंग मैग्नेटिक स्ट्रिप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। पर अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कर दो, तो डिफ्लेक्शन भी आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। जिससे आपको क्या पता लगा, दैट ऑन अप्लाइंग अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मेटल और सेमी कंडक्टर ए पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट्स टू एग्जिस्ट। मतलब जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, एंड सच टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज होल्स इफेक्ट और होल्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको होल्स पोटेंशियल की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। अब हमने कहा, एस वी आर अप्लाइंग अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच एन EMF इज एक्टिंग। ठीक है, क्योंकि हमारे मैग्नेटिक फील्ड के लगाने से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से हमारे पास था, एक मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया, दोनों की ही वजह से हमें चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या मिलेगा, फोर्स। तो हम क्या करते हैं कि हम दोनों ही फोर्सेस की इक्वेशन को राइट कर लेंगे। यहाँ पर ये जो दोनों फोर्स लगेंगे इनका मैग्नीट्यूड तो एक दूसरे के इक्वल रहेगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि हमने कहा कि हमने अगर चार्ज की डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में लिया है करंट फ्लो की डायरेक्शन को और मैग्नेटिक फील्ड हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो दोनों का जो फोर्स होगा वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट एक्ट करेगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू इन टू ई और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज बी क्यू वी क्यू बी होता है, क्यू की जगह ई लिखा, वी इज़ अ वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड। इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन हमें मिल गया वी डी बी के इक्वल। यहाँ वी डी का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमें पता है, अगर हम मान लें कि हमने जो स्ट्रिप एज्यूम की थी उसकी जो डेप्थ है वो डेप्थ डी है, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को आप वी एच अपॉन डी भी लिख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर। सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। तो हमने हॉल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्रिएट होगा और डेप्थ डी से हमने डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ वी एच का मतलब है होल्स पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारा ये आ गई इक्वेशन नंबर टू। इतना करने के बाद आप पहले ये बताओगे कि आप जो होल्स इफेक्ट पढ़ रहे हो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है कि होल्स इफेक्ट का यूज़ करके आप साइन ऑफ चार्ज कैरियर बता सकते हो कि जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो एन टाइप पार्टिकल की वजह से है या पी टाइप पार्टिकल की वजह से है। दूसरा, आप एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस बता सकते हो। थर्ड वन, आप मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ड्यू टू दीज चार्ज कैरियर्स को निकाल सकते हो। मतलब होल्स इफेक्ट जो आप ये स्टडी कर रहे हो इसके तीन फायदे हैं।
चार्ज कैरियर्स का पता लगा सकते हो, पी टाइप एन टाइप पता लगा सकते हो और मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी के बारे में कंक्लूजन दे सकते हो। वो कंक्लूजन अब आप कैसे दोगे उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिख रहा है साइन ऑफ चार्ज कैरियर, हमें कैसे पता लगेगा? तो देखो हमने क्या कहा, इफ़ करंट थ्रू सैंपल इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देन T1 विल बी एट हायर पोटेंशियल देन T2। हमने क्या कहा, करंट जो है हमारे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लो लगा दिया जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर आपके T1 पर पोटेंशियल हायर है, ठीक है, और T2 पर अगर आपका पोटेंशियल लोअर है, तो हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो चार्ज का सॉरी यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है या यहाँ पर जो चार्ज कैरियर वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा हायर टू लोअर की साइड में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे लोअर टर्मिनल पर आने की, इसका मतलब क्या है, अगर लोअर टर्मिनल पर आने की कोशिश करें इसका मतलब यहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन हाई थी। तो हमने क्या, अगर हाई पोटेंशियल यहाँ है, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, सबके सब इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे नीचे आने की। तो हम कह रहे हैं अगर T1 हाई पोटेंशियल पे है, T2 लो पोटेंशियल पे है, मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। अगर करंट जो है होल्स की वजह से फ्लो हो रहा होता तो T2 पर हाई पोटेंशियल होता, क्योंकि होल्स जो हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि होल्स का जो वेट है वो भी बहुत हाई होता है और जो हैवियर चीज़ होती है वो जनरली नीचे की साइड में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। दूसरा, हम एन टाइप और पी टाइप कैसे पता लगाएंगे? ये तो आपको यहीं से क्लियर हो गया। जब आपको यही पता लग गया कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, तो जो अगर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है तो एन टाइप होगा, हॉर्मोनल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है तो पी टाइप होगा। तो हमने क्या कहा, इफ़ करंट इज़ पास्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन एंड होल्स EMF डेवलप इज फ्रॉम T1 टू T2, ठीक है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का पता लगेगा। अगर T1 का पोटेंशियल हाई है, इसका मतलब चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन एंड हेंस द कंडक्टर इज योर एन टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट, हमें बताना है कैरियर मोबिलिटी और कंडक्टिविटी किस तरह से डिपेंड करते हैं फॉल वोल्टेज के ऊपर। तो हमने कहा हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या होता है, E=cv और ET=vd भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी को लिखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी मैग्नेटिक फील्ड, ई इज़ अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट का फॉर्मूला हमें पता है NEA vd, तो यहाँ से हमने vd की इक्वेशन निकाली, इस vd की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया, ठीक है। और इस इक्वेशन में जब हमने पुट किया तो देखो क्या था, हमारे पिछले आर्टिकल से हमारे पास होल वोल्टेज की इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में ET को VD भी लिख सकते हैं पिछले कॉन्सेप्ट से, क्योंकि हमने किया था कि E=cv, यहाँ वाले इसी इक्वेशन का यूज़ करके E को रिप्लेस किया VDB से, D एज इट इज़, इस VD की वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया, ठीक है। यहाँ पर N × E नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम × E इज़ द चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन को हमने QD लिखा और हमने नाम दिया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इस इक्वेशन में NE को रिप्लेस करवा दिया हमने QD से और बाकी पूरी इक्वेशन हमने VH की एज इट इज़ लिखी। एरिया को हमने लिख दिया B × D, ब्रेथ × डेप्थ, ठीक है, D से D कैंसिल। तो ये आपके पास VH की इक्वेशन आ गई और यहाँ से आपने QD चार्ज डेंसिटी निकालिया इन टर्म्स ऑफ वॉल वोल्टेज। आपको क्या था, हमें यही तो निकालना था ना कि कैरियर मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी को हम कैसे निकाल सकते हैं वॉल वोल्टेज का यूज़ करके। तो यहाँ आप देख रहे हो आप चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो वॉल वोल्टेज का यूज़ करके, और क्योंकि जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज डेंसिटी इंटू मोबिलिटी। अगर आपको QD पता है, सिग्मा पता है, दैट मीन्स यू कैन फाइंड आउट द मोबिलिटी। एक और यहाँ पर हम कोफिशियंट इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ RH, दैट इज़ कॉल्ड होल्स कोफिशियंट, एंड दिस होल्स कोफिशियंट इज़ फाउंड टू बी रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो चार्ज डेंसिटी, दैट इज़ QD। कंडक्टिविटी नहीं होगा यहाँ, कंडक्टिविटी तो सिग्मा है। हॉल कोफिशियंट इज़ फाउंड टू बी रेसिप्रोकल ऑफ चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और सिग्मा यहाँ से ही अगर हम निकालना चाहें कि आपकी कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हॉल कोफिशियंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो देखो सिग्मा इज इक्वल टू म्यू और QD की जगह आप लिख सकते हो 1/RH, तो सिग्मा इज इक्वल टू म्यू अपॉन RH, ठीक है, और यहीं से म्यू दैट इज मोबिलिटी सिग्मा × RH, सिग्मा इज योर कंडक्टिविटी, RH इज योर होल्स कोफिशियंट। इस टॉपिक को एज इट इज़ इन्हीं तीनों पार्ट्स में करके आपको करके आना है, तो एक बार आप इसको बुक से अच्छी तरह से स्टडी करोगे।